सबको भी छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो घर में दिया बत्ती जला लिए थे लेकिन मंदिर नहीं गए थे, घर में यहाँ पे जलाए, स्वामी जी के पास जलाए, चापाकल के पास जलाए और तुलसी जी माता के पास जलाए। उसके बाद बैठे हुए थे कि मंदिर जाना है, फिर मंदिर जाके वहाँ भी जाके जलाए। तो हम लोग इसको देवता के दिया बोलते हैं, जम के दिया, देवता के दिया। गुड इवनिंग, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज है छोटी दिवाली, सब लोग तो छोटी दिवाली बोलते हैं लेकिन हम लोग देवता का दिया बोलते हैं। मतलब आज भगवान की देव दीपावली, मतलब देवता का दिया। आज हम लोगों के घर में भी सब जो कुल देवता देवी हैं सबके नाम से दिया जलता है और सबको आज साफ सुथरा करके मतलब अच्छे से मतलब दिया जलाना है सबके नाम से। तो आज हम लोग बोलते हैं देवता का दिया। माँ के घर में भी देते थे कि माँ देवता का दिया जलाती थी और ससुराल में भी माँ को भी देखे, माँ जी को, कि वहाँ भी देवता का दिया जलाती थी। कपड़ा बदल के, मतलब कपड़ा बदल के नहा पीच के या कपड़ा बदल के जो भी अपना देवता का दिया। तो आज है छोटी दीपावली, आप सबको छोटी दीपावली का बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और सबको हैप्पी दीपावली। तो अभी हमको मंदिर जाना है, 7 बज गया है, अकेले के चलते किसके साथ जाएं, दूर थोड़ा होता है, तो देखिए कोई साथ में जाएगा तो जाएंगे साथ में सब जो देवी जी का मंदिर है। हेलो, गुड मॉर्निंग, तो आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज है दीपावली, हैप्पी दीपावली, सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, सबको लक्ष्मी माता गणेश जी सबको सद्बुद्धि दे और धन वैभव से भर के रखे और साथ साथ हमें भी। तो आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो सुबह से सारा तैयारी हो गया है, लेकिन सारा तैयारी मतलब बर्तन सब साफ उफ कर लिए हैं और घर में भी सब क्लीनिंग हो गया है। अब जा रहे हैं नहाने, ज़्यादा कुछ तो हम लाइट बत्ती नहीं लगाए हैं क्योंकि इस साल थोड़ा सा सिर्फ सामने में एक गेट पे लाइट लगा दिए हैं बस और कुछ नहीं। तो खाना भी बनाना है और 10 तो बज गया, बर्तन पीतांबरी से सबको साफ किए, पीतांबरी से सबको बैठ के 1-1.5 घंटा लग गया हमको साफ करने में। तो और तो कुछ नहीं करना है, कलश को यहाँ लगा दिए, यहाँ कलश को टांग लिए और ये वाला जो है इसको इसको क्या लोग बोलते हैं इसको सामने गेट में लगा दिए कि आते जाते हल्का सा टच होगा तो आवाज होगा। और सामने गेट पे बस एक लगा दिए और लाइट थोड़ा सा लगा दिए बस, और तो कुछ नहीं है। और यही वाला डोरमेट लेके आए थे, छोटा है लेकिन मोटा है तो अच्छा लगा था, हैवी है। और जा रहे हैं नहा के, पहले जल दे देते हैं और मंदिर में भी छोटा छोटा स्टिकर लगा दिए।
उसके बाद खाना बनाएंगे, एक लोटा जल दे देंगे उसके बाद खाना बनाएंगे और तब उसके बाद, और ये वाला हैंगिंग वाला यहाँ इसको टंग दिए, क्योंकि वहाँ खाली था ना दीवार, तो सोचे कि वहीं पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो वहाँ सेलो टेप लगा के चिपका दिए। तो और तो कहीं ऐसा था नहीं, यहाँ पर भी लगा सकते थे लेकिन ये छोटा दीवार है, वहाँ बड़ा दीवार था, तो सोचे वहीं लगा देते हैं, अच्छा लगेगा। तो हमको जैसे करने आता है और जितना कुछ है मेरे पास बस उतने ही से सेट किया। अभी चादर नहीं बिछाया, तो चादर तो दो लाए थे दोनों पर, दोनों बेड का, लेकिन चादर नहीं बिछाया है, देखेंगे 3:30 बजे बिछाएंगे जब रंगोली बनाएंगे तब। तो अभी चलते हैं नहाने, तो कुछ इस तरह से हम सेट किए हैं घर को, तो देखते हैं और क्या क्या करते हैं आगे, फिर मिलते हैं, चले नहाने। साढ़े पाँच वहाँ कोनवा में एगो बॉल ला के रखल है कहीं ना से लगे ला कोनवा में पट्टी देवाल पर चढ़ गए। देखिए रंगोली बनाए कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। बहुत कुछ तो नहीं बनाने आता है और कलरफुल तो नहीं बनाने आता है, लेकिन हम शुरू से जो चावल पीस के बनता है वही बनाते हैं। आज से नहीं, हमको लग रहा है आज 2500 साल से हम वही चावल पीस के ही बनाते हैं। और मंदिर मेरा कैसा लगा बताइएगा। अरे एक चौकी है हॉल में डाल दिए हैं, चौकी कहाँ रखे उसको, यहाँ बाउल में डाल दिए हैं, थोड़ा सा गेंदा का फूल का पंखुड़ी और एक गुलाब, ये दो दो दिया सब दरवाजा पे लगाए। और ये बेडशीट नया वाला बिछाए डबल बेड पे। तो बस इतना ही करते करते हम, मतलब क्या बोले, शायद ज्यादा प्रेशर रहता है कि सब हम ही को करना है, ये भी करना वो भी करना, इसलिए सीढ़ी पे कुछ दिया रख दिए थे, अच्छा लग रहा था, अगर पूरा में रखते तो और ज्यादा सुंदर लगता, लेकिन हम पूजा करके उठे 8:15 में, उसके बाद फिर दिया जलाए, दो दो दरवाजे पे जलाए, और छत पे 2-4, 8-9 दिया छत पे जला दिए, कुछ सीढ़ी पे रखे, कुछ सामने गेट पे रखे, बस इतना ही। और ये देखिए दीपावली का रौनक, सबके घर में चाइनीज लाइट, दिया किसी के घर में नहीं जलता। अब हम लोगों के मोहल्ला में शायद एक आधी घर होगा जिसमें
दिया जलता है, बाकी सब लोग चाइनीज लाइट अब जलाते हैं, देखने में तो अच्छा लगता है। हालांकि कल लाइट भी अच्छा खासा रह गया था, लाइट नहीं गया था, शाम को ही दिन में जो कटा हुआ था बस वही। तो चारों तरफ रौनक ही रौनक है। बगल वाला अगर अच्छा लग रहा है रात में लाइटिंग से, रात का लुक ही अलग हो जाता है। और यहाँ कॉर्नर पे एक लाइट जला दिए थे, एक उस तरफ जला दिया जो उसका घर पूरा रोशन हो गया था। हेलो, तो पूजा पाठ हो गया और अभी बेटा से बात कर रहे थे, भाई भी फोन किया है, बहन भी फोन कर रही थी, तो अभी पूजा पाठ हो गया, अब सबसे बात करेंगे। तो आज का ब्लॉग आप लोग देखिएगा और कमेंट्स कीजिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, हैप्पी दीपावली सबको।